नमस्ते दोस्तों, टेकमेक चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो है डिजिटल वर्नियर कैलिपर। यह कैलिपर सभी ट्रेड में इम्पोर्टेंट है, या इंजीनियरिंग कॉलेज में भी इम्पोर्टेंट है, आईटीआई में, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, कंपनी में, अप्रेंटिसशिप में या वर्कशॉप में इसका सरास यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले आपको इसका फंक्शन किस तरह से ऑपरेट किया जाता है, इसका सब पूरा नॉलेज आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्त को शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। ये कंपनी ने प्रोवाइड किया वाला बॉक्स है, देखो, डिजिटल कैलिपर, इसे वर्नियर कैलिपर कहते हैं। इसका मेजरमेंट 0 से 150 तक आप काउंट कर सकते हैं। ये बॉक्स अच्छी तरह से संभाल के रखना चाहिए, क्यों, काम होने के बाद इसको इसमें वापस रखने का, क्लीन करके। तो ये बॉक्स, इसे कहते हैं डिजिटल वर्नियर कैलिपर। ये मेन इम्पोर्टेंट पार्ट्स है इसका, ये देखो, या ये फोर स्पेस है, ये देखो, ये स्टेप है, इसको स्टेप मेजरिंग सरफेस कहते हैं। इसके बाद ये दो जॉ है, इसे इंटरनल मेजरिंग फेस कहते हैं। इसके बाद 3 नंबर का पार्ट है, ये देखो, ये आपको एक्सटर्नल मेजरिंग सरफेस आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे इस तरह से। उसके बाद ये जो सामने दिख रहा है वो डिस्प्ले, एलईडी डिस्प्ले, देखो दिख, एलईडी डिस्प्ले है। इसके बाद ये लॉकिंग स्क्रू है और यहाँ पे बैटरी है, ये देखो एरो दिखाया है, ये ओपन करेंगे तो बैटरी आपको दिखाऊंगा मैं, बैटरी किस तरह से निकाला जाता है। इसमें जो बैटरी है वो RS2032 बैटरी यूज़ किया है। इसका बैटरी कवर है, ये देखो कवर है। इसके बाद ये स्लाइडर है, देखो ये स्लाइडिंग स्लाइडिंग पार्ट्स, इसे स्लाइडर कहते हैं। और ये स्टेनलेस स्टील से बना है, देखो हार्डन स्टेनलेस स्टील से बना है और इसके ऊपर इंच का और वर्नियर मिलीमीटर का मार्किंग किया है, देखो। और बैटरी का ये देखो यहाँ पे लिखा है, बैटरी SR44 1.55 होल्ट बैटरी, रिप्लेस कर सकते हैं आप, यहाँ पे रिमूव करके बैटरी चेंज कर सकते हैं बैटरी डाउन होने के बाद। इसके बाद 4 बटन दिया है, देखो यहाँ पे ये ऑन ऑफ स्विच है, ये 0 रीडिंग, ABS और मिलीमीटर टू इंच, आप डायरेक्ट कन्वर्ट भी कर सकते हैं इसमें, मिलीमीटर का इंच भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी ये इम्पोर्टेंट देखो, ये ऑन ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया इस तरह से। और आपको वर्नियर यूज़ करने का है, पहले 0 0 रीडिंग करके लेने का, देखो इस तरह से 0 0 किया। इसका जो लीस्ट काउंट है ये इसका 0 0 ही रहेगा लीस्ट काउंट, क्यों, इसमें परफेक्ट मेजरमेंट रहता है इसके लिए। इसका ये देखो 0 0 आ गए, तो इसमें लीस्ट काउंट नहीं रहता है, आपको परफेक्ट मेजरमेंट मिलेगा। तो ये इस तरह से आप यूज़ करेंगे तो आपका प्रोडक्शन में या में अच्छी तरह से आप काम कर सकते हैं। तो ये मैं आपको पहले दिखा रहा हूँ। यहाँ पे लेंथ अगर चेक करने का है तो जहाँ यहाँ पे देखो इस तरह से इसका लंबाई मुझे मालूम पड़ रही, देखो यहाँ पे, देखो आपको दिखा रहे इस तरह से, ये इस तरह से लंबाई भी चेक कर से 76.98 है इसका लंबाई इस तरह से। इसके बाद इनसाइड डायमीटर चेक करने का है तो इसका इस्तेमाल इस तरह से किया जाता है, 8.37 आ रहा है, देखो 37 38 आ रहा है, तो ये इनसाइड डायमीटर चेक
कर सकते हैं। अगर डेप्थ चेक करने का है तो डेप्थ कर सकते हैं यहाँ से, इस तरह से देखो, यहाँ से डेप्थ चेक कर सकते हैं। देखो यह आ गया 23.15 डेप्थ है, या इस तरह से भी आप कर सकते हैं। देखो यहाँ पे, देखो इस तरह से इसका जो आया 3.65 मिलीमीटर डेप्थ है। तो ये आपको यहाँ पे कन्वर्ट भी कर सकते हैं, 3.65 का इंच करने का है तो ये बटन दबाएंगे तो इंच में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा इस तरह से। ऐसे अलग अलग वीडियो आपको रोज़ मिलते रहेंगे। हमारा चैनल आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त को शेयर कीजिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। आपने यह वीडियो पूरा देखा इसलिए धन्यवाद, थैंक यू।